वैसे अंकल जिस कदर परेशान हो रहे थे, यहां आके पता चला कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। और ऐसे नोटिस तो यार वो लोग भेजते ही रहते हैं, उनको खातिर में नहीं लाना चाहिए। और अंकल को तो ये नोटिस बहुत पहले से आया हुआ है, वो अब तक चुप क्यों थे? हाँ यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बाबा ने अचानक से इस नोटिस को इतनी अहमियत क्यों दी, जिसके लिए मुझे यहाँ इमरजेंसी में इस्लामाबाद भी भेजा। चलो कोई नहीं, हमारे कुछ काम हो गए, कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। मुलाकात तो हो गई लेकिन सबने वेट करने की बात की है। आई नो, लेकिन तुम देखना इन्हीं में से कोई ना कोई अभी कहेगा मैं रेडी हूं और तुम डील साइन करोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मैं रिसा को कॉल कर लूँ जरा। हाँ तुम सही कह रही हो, सबसे जरूरी काम है, तुम करो मैं आता हूं। वकार का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम रोती रही हो। नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं ठीक नहीं लग रही तुम, कुछ छुपा रही हो मुझसे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे तो मुझे बताओ। सुबी ने, मामा, बाबा, किसी ने भी कुछ कहा है तो मुझे बताओ। वकार इतनी छोटी छोटी बातें तो मैं आपको जब आप कराची में होते हैं तब भी नहीं बताती, तो आप इस्लामाबाद में, क्यों आपको परेशान करूंगी? और ऐसा कुछ है भी नहीं, आप बस जल्दी वापस आ जाएं। अच्छा तुम एक काम करो, मेरी एमन से बात कराओ। एमन तो नहीं है घर पे, वो गई भी है कहीं बाहर। अच्छा चलो फिर ठीक है, तुमसे कराची पहुंच के बात करता हूँ। सुनो, तुम्हारे लिए यहाँ से कुछ लाऊं? नहीं बस आप खैर से आ जाएं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ का मौसम कुछ खराब है, फ्लाइट टाइम पे निकली तो मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। अल्लाह पाक आपको हिफाजत से लेके आए। आमीन आमीन। पगली कभी कुछ नहीं बताती, मगर आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मामूल से ज्यादा परेशान थी। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ एमन के अगर वकार ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया तो क्या वो मुझे इस घर से निकाल देंगे? क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? सच बताओ एमन, जो कुछ मेरे साथ हो गया उसके बाद हौसला होने के अलावा मेरे पास और बचा भी क्या है? सच कहती हैं, मैं तो बस एक हल्की सी उम्मीद पर आपको तसल्ली दिलासा दे रही हूँ, वरना सच तो ये है कि अब मुझ में भी बाबा और भाई किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं है। मुझे आदिल से मिलने नहीं जाना चाहिए था, इस सच में मुझसे गलती हुई है। नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, क्यों आप ऐसी बातें सोचकर खुद को कमजोर कर रही हैं? आप आदिल से मिलने गई थी वकार भाई की वजह से ना, भरोसा रखें कुछ नहीं होगा। खौफ भरोसे से कई ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ये खौफ मेरे वजूद को धीरे धीरे निकल रहा है। सोचती हूँ खुदा ना खास्ता अगर आप यहाँ ना हुई तो मैं किसे अपने दिल की हालत बताऊंगी? कौन है जिससे मैं तसल्ली के दो बोल की उम्मीद लगा सकूंगी? सुपी ठीक कहती है, हम दोनों ही एक कश्ती में सवार हैं, सिर्फ फर्क इतना है एक नहीं दो कश्ती हैं, बस वो ये बात नहीं जानती। मामू जान, आपको वकार को ये सब कुछ फोन पे बता देना चाहिए था ताकि कम से कम यहाँ पहुँचने तक वो फैसला कर चुका होता। मुझे ना उस जादूगरनी के जादू से डर लगता है, पता नहीं फिर क्या मंत्र पढ़ के फूंके कि वो वकार दोबारा उसकी बातों में आ जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा सुबी, वो मेरा खून है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपने बेटे को। आप कुछ भी करें मामू जान, मगर वकार से पहले आप बात करेंगे, उससे बात नहीं करने देंगे, वरना पता नहीं वो कुछ का कुछ बताएगी। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो बेटा,
अगर वकार मेरी बात का यकीन करेगा या नहीं करेगा, अपनी माँ की बात का यकीन तो करेगा ना। तो क्या मुमानी जान आपका साथ देंगी? उसे साथ देना ही पड़ेगा। बस अब आप देखती जाएं, आप फिक्र ना करें, आप मुझे जानती नहीं है। हाँ, यही तो मैं आपको बता रही हूं। ओके, शुक्र है तुम्हारी सूरत देखना नसीब तो हुआ। कसम से लग रहा था दो दिन से नहीं बल्कि दो साल से गए हुए हो, गुजारने से भी नहीं गुजर रहा था। I'm very tired, मैं सरफ्रश हो गया था। अब रुको वकार, वो मामू जान तुम्हें बुला रहे थे, पहले उनसे मिल लो, कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। मैंने कहा ना फ्रेश हो गया था, फिर बाबा से भी मिलूंगा। एक्सक्यूज मी, मगर उन्होंने कहा तो विरसावा जी, वकार बाबा आए। मैं भाभी, नहीं आप मत जाएं, वकार भाई को यहीं आने दें, आप उन्हें कमरे में नहीं मिलेंगी तो वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएंगे। तेरा बेटा आ गया। फसाल के मामा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल कर लिया है? लगता है तुमने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा और सिर्फ काम करते रहे। मामा, विरसा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। विरसा कहाँ जाएगी? यही होगी एमन के पास, आजकल तो वहीं घुसी रहती है। तुम ऐसा करो, पहले अपने बाबा से मिल लो, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। क्या बात है, अभी जोबिया मिली, वो भी बाबा से मिलने के लिए जिद कर रही है, आप भी यही कह रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको छुपा रही है मुझसे? इस घर में जो कब्रिस्तान सा सन्नाटा है, इससे अंदाजा नहीं लगाया कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आकर गुजर चुका है? तूफान? कैसा तूफान? आप कहना क्या चाहती हैं, बताएं मुझे। मैं अच्छी तरह नहीं बता सकूंगी, इसलिए मैंने कहा है कि अपने बाबा से जाके मिल लो। जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीते रहो बेटा। जुबी, क्या हमें चाय नहीं पिलाओगी? जी अभी लेकर आती हूँ।